मेरा नाम मोहसिन शहजाद है और आज हम राइस के फील्ड में मौजूद हैं। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट डिजीज़ जो कि राइस के फील्ड में ज़रूर ही आती हैं। इनमें जो डिफरेंट किस्म की डिजीज़ हैं उसमें शीत ब्लाइट है, धान का बबका जिसे ब्लास्ट कहते हैं, और ब्रॉनली स्पॉट्स हैं जिसे बुरे दब्बे कहते हैं, और नैरो ब्रॉनली स्पॉट्स हैं, ये इस टाइम इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले जो डिज़ीज़ है वो शीत ब्लाइट है। शीत ब्लाइट आप देख सकते हैं कि इस पौधे के ऊपर ये इस तरह के जो आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं ये सारे शीत ब्लाइट के हैं। शीत ब्लाइट जो होती है वो पौधे के या हिल के जो धान का पौधा होता है उसके जो नीचे वाली बेसमेंट होती है वहाँ से स्टार्ट होती है और ये करते करते ऊपर की तरफ जाती है और तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ऊपर तक ये रहती है और ये इसकी पैदावार में सीवियर नुकसान पहुँचाती है। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, बिल्कुल वाजे है। आपको ये स्पॉट्स जो इस तरीके से नज़र आएंगे इरेगुलर से, तो ये वाले शीत ब्लाइट है। अभी आप देख सकते हैं कि इस पौधे के ऊपर ब्रॉनली स्पॉट्स या बुरे दब्बे बहुत ज़्यादा हैं और उसके साथ जो धान का बबका है वो भी काफ़ी हमें नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो धान का बबका है ये अंदर से मिट्टी कलर का होगा या हल्के कलर का होगा और उसके इर्द गिर्द जो उसका थोड़ा सा गहरा कलर होगा और आई शेप होगा, जबकि जो ब्रॉनली स्पॉट्स है जिसे बुरा दब्बा कहते हैं, बुरे दब्बे, ये देखें वो अंदर से गहरे होंगे और उसके इर्द गिर्द एक येलो सा हालो होगा। जो ब्रॉनली स्पॉट होता है ये अंदर से गहरा होता है और जो ब्लास्ट होता है धान का बबका होता है ये बाहर से गहरा होता है और अंदर से हल्का होता है। तो इस पौधे के ऊपर आप देख सकते हैं कि ब्रॉनली स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं और डेफिनेटली ये वाले जो स्पॉट्स हैं, ये जो डिज़ीज़ है, ये और मज़ीद बढ़ जाएगी जैसे जैसे ये मैच्योरिटी की तरफ जाएगी। अगर हम बात करें इसके कंट्रोल की तो इसके लिए सिंजेंटा के पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिनमें स्कोर है डाइफिनाकोनाजोल और अमिस्टाटॉप है जिसमें डाइफिनाकोनाजोल और अजॉक्सिस्ट्रोबिन है। और इसकी जो एप्लीकेशन करने की स्टेज है वो सबसे पहले आपने इसकी प्रिवेंटिव करनी है, स्कोर प्रिवेंटिव उस टाइम पे करनी है जब मियोसिस की स्टेज होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि जो गोप से पहले की स्टेज होती है अराउंड 50 से 60 दिन की जब फसल हो चुकी होती है तो पहला स्प्रे स्कोर का करें, और उसके बाद जब इसकी हेडिंग होना शुरू हो जाए 5% सिट्टे निकलना शुरू हो जाए 100 में से, जस्ट अभी सिट्टे निकल रहे हों, तो उस टाइम पर आपने अमिस्टाटॉप की स्प्रे करनी है। तो इस तरीके से आपकी जो डिजीज़ हैं जिनमें ये सारी डिजीज़ शामिल हैं ये आपकी बेहतरीन कंट्रोल होंगी।